क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया, मुझे मिल गया मन का। कौन कौन चाहते कि भगवान से उनकी ऐसी लगन लग जाए, ऐसी प्रीत लग जाए, उठाना पूरे पूरे हाथ। ओ मेरी लगी, मेरी लगी, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। सांसारिक प्रेम करने में थोड़ा समय लगता है, आप मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, स्वभाव समझते हैं, तब जाकर प्रेम होता है। लेकिन गोपियां कहती कृष्ण से प्रेम करने में इतना समय नहीं लगता। कृष्ण से प्रेम हमें कब हो गया था? छवि लखी में निशाम की जब से, छवि लखी में निशाम की जब से, छवि लखी में निशाम की जब से, भाई बावरी में तो तब से, भाई बावरी में तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से, ये कैसी, ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया।
दुनिया कहती है सांसारिक प्रेम तो एक बार होता है, चला तो ठीक, नहीं चला तो ठीक, पर कृष्ण से प्रेम होने के बाद आप किसी और से प्रेम नहीं कर सकते, उसको भूल ही नहीं पाएंगे आप कभी। गोपियां कहती है क्यों नहीं भूल सकते, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहन मूरतिया, मन में बस गई मोहन मूरतिया, लोग कहे मैं भाई बावरिया, लोग कहे मैं भाई बावरिया, हो जाऊं सावरिया, हो जाऊं अब तेरी सावरिया। ये कैसी निकोड़ी प्रीत ये दुनिया क्या जाने, ये कैसी निकोड़ी प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग सांसारिक प्रेम करने के बाद, और प्रेम के बाद सारे झगड़े हैं, फिर झगड़े ही झगड़े हैं, लेकिन कृष्ण से प्रेम करने के बाद आप में क्या बदलाव आता है। गोपियां कहती है हरदम अब तो रहूं मस्तानी, 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 लोक लाज तेरी अंग अंग समानी, रूप राशि अंग अंग समानी, हेरत हेरत रहूं दीवानी, हेरत हेरत रहूं दीवानी, मैं तो गाऊं, मैं तो गाऊं, मैं तो गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने, यहाँ पर उद्धव जी
सभी से मिलकर कई समय तक वहीं रहते हैं, मिलकर वापस ठाकुर जी के पास जाते हैं। ठाकुर जी के पास जाते हैं तो जैसे ही कमरे में प्रवेश कर रहे होते हैं कि भगवान कहते हैं, अरे उद्धव आने में बड़ी देर कर दी। उद्धव जी कहते हैं, दयालु कृपालु करुणानिधि, ये सारे मनगढ़ंत नाम हैं आपके, आपने खुद ने रखे हैं। भगवान कहते हैं, तुम्हें वहां भेजना मेरा सफल हुआ, क्योंकि मुझसे इस लहजे में केवल गोपियां बात कर सकती हैं। इस भाषा में मुझसे केवल गोपियां या ब्रजवासी ही बात कर सकते हैं, और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। उतना प्रेम जिसके अंदर होगा वही मुझसे ऐसे बात कर सकता है। उद्धव जी कहते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कितने प्रेमी हैं वहां पर आपके। भगवान कहते हैं, मैं वहां नहीं जा सकता। अरे कंस के ससुर जरासंध बार बार आक्रमण करते हैं। अब मथुरा में तो सैनिक है, हथियार है, इतना बड़ा महल है, तो वो हार कर वापस चला जाता है। लेकिन वृंदावन में तो कुछ भी नहीं है, एक बार आक्रमण होगा और पूरी ब्रजभूमि खत्म हो जाएगी। तो बोले, कभी कभी मिलने चले जाया करिए। बोले, वो भी नहीं कर सकता। जरासंध को भनक भी लग गई कि मेरी प्रीति है वृंदावन में, तो मुझे मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए वो वहां तकलीफ देगा सबको। तो बोले, तो उनको यहाँ ले आइए, यहाँ तो सब कुछ है। भगवान कहते हैं, वहां मैं एक ग्वाला था। क्या था? एक ऐसा ग्वाला जो गैया चराता है, ग्वालों की जूठन खाता है। यशोदा मैया मुझे रस्सी से बांध दिया करती थी, या देवकी माता को जब पैरों का स्पर्श करता हूं ना, वो सोचती आशीर्वाद दू कि नहीं दू, क्योंकि उनको पता है कि ये भगवान है। तो बोले, उनको यहां लेकर आ गया ना, तो उनको मन में ऐसा लगेगा कि कन्हैया कैसा था, कैसा हो गया है, यहां पर लोगों को मार रहा है, राजनीति कर रहा है। भगवान कहते, पर चिंता मत करो, उन सबका ध्यान रखता हूं मैं। वो जब रास्ते में मूर्छा को प्राप्त होते हैं ना, मैं उनको घर वापस सही सलामत छोड़कर आता। अब यहां समय बीतता है, जरासंध बहुत परेशान करने लगे, बार बार आक्रमण करते। तब भगवान ने द्वारका नगरी बनाई पानी के बीच में, वो आक्रमण ना कर सके। अब यहां पर विदर्भ देश में चलते हैं, जहां राजा भीष्मक है, उनके बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और पुत्री का नाम था रुक्मणी। रुक्मणी जी ने जब से प्रेम तत्व को समझा, उन्होंने श्री कृष्ण को पति के रूप में माना था। अब यहां पर पिता को जाकर बताती है कि मुझे कृष्ण से शादी करनी है, पिता भी मान जाते हैं। पर भाई ने कहा, नहीं, मेरी एक ही बहन है और उसका विवाह मैं अपने मन से कराऊंगा, जैसे विवाह उसको करना है। उसने कहा, विवाह तो मेरे ही मन से होगा, मेरा मित्र है शिशुपाल, उसी से विवाह होगा। बच्चे बड़े हो जाए, माता पिता की ज्यादा चलती नहीं है। तो रुक्मणी जी के घर पे एक ब्राह्मण आया करते थे। रुक्मणी जी ने उनके हाथों एक पत्र भिजवाया श्री कृष्ण को कि मुझे आपसे विवाह करना है, मैंने जब से प्रेम तत्व को समझा है आपको ही पति माना है, अब या तो आप मुझसे विवाह करिए वरना किसी और से तो मैं विवाह नहीं करूंगी। और ज्यादा जबरदस्ती करी तो इस प्राण को त्यागने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब इस पत्र से यहां बैठे कोई भी युवा ज्यादा आइडिया ना लगाए, सभी से निवेदन है। कारण, पहला कारण तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, भगवान की बराबरी नहीं करनी है। और दूसरा कारण देखिए, ये कोई साधारण पत्र नहीं था, ये एक पत्नी का अपने पति को दी हुई धमकी थी। तो आप सोचेंगे, पति पत्नी कैसे, इनकी तो शादी नहीं हुई। ठाकुर जी किसका रूप है? विष्णु भगवान। रुक्मणी जी किसका रूप है? वो पहले से पति पत्नी है। तो धमकी इसीलिए थी क्योंकि देखिए, श्री राम ने भी, सीता माता किसका रूप है? लक्ष्मी जी। उन्होंने हर जन्म में, हर अवतार में अपनी पत्नी से शादी करी है। तो इस अवतार में जब लीलाओं में थोड़ी, तो ये एक धमकी का लेटर गया है कि आपकी लीला अपनी तरफ, मेरा रिश्ता अपनी तरफ,
रिश्तों के साथ कोई खेल नहीं। तो कुछ भी कोई भी लीला करते रहो, शादी तो इसीलिए ये पत्र गया था। तो इसीलिए आप ये ना सोचे कि भाई उन्होंने करी हम भी करेंगे, तो वो पहले से पति पत्नी है, उनको ये लीला करके वापस अपने घर जाना है, तो दोनों पहले से ही पति पत्नी है। तो इसलिए रुक्मणी जी पत्र भिजवाती है। देखिए भगवान कितनी सीख लेते हैं अपनी लीलाओं में। आज एक बात बताइए, दुनिया में भगवान से ऊपर कोई है? कोई भी है जिससे भगवान को पूछना पड़े कि मैं काम कर लूं क्या, लीला कर लूं क्या? फिर भी भगवान ने जब लीलाएं करी है तो हमको जताया है कि बड़ों की आज्ञा कितनी जरूरी होती है। जब पत्र आया तो भगवान किससे पूछ सकते हैं? भगवान खुद के मन के मालिक है। पर भगवान ने बलदाऊ भैया से पूछा, क्योंकि उस वक्त उनके पास वही एक बड़े थे। भगवान पूछते, भैया क्या करना चाहिए? बलराम जी कहते, कर लो शादी, उम्र हो गई है, अभी तो पत्र आ रहे हैं, फिर ये भी बंद हो जाएंगे। तब भगवान ने स्वीकृति पत्र भेजा कि आप जब गौरा मैया के पूजन के लिए आएंगी मंदिर, मैं आपको वहां से लेकर चला जाऊंगा। आइए दर्शन करते हैं। रुक्मणी जी गौरा मैया के पूजन के लिए, तुलसी पूजा के लिए मंदिर आई है और प्रार्थना कर रही है कि मैंने जिसको पति माना है मुझे वही पति के रूप में मिले। जय श्री कृष्णा। कुछ ही समय पश्चात भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी का विवाह होगा। जिन भक्तों को कन्यादान स्वरूप भेंट देनी हो, इस भजन में झोलियां चलेगी, आप अपने स्थान पर बैठकर वो भेंट उन झोलियों में डाल दें। जय श्री कृष्ण। रुक्मणी जी कहती है,